अंशों का निशाना कभी नहीं चुकता। हमारे इलाके के माने हुए शिकारी हैं। अच्छा, दो चार शेर, 10-12 भालू, न जाने कितने जंगली जानवरों का शिकार किया है। बस अब और नहीं, बहुत हो गया, अब वापस चलते हैं। राम हरे। यहाँ शेर भी आते हैं? हाँ, 2-3 साल में एक आध आटा पकता है। और जब आटा पकता है तो हिमांशु अपनी जमींदारी के काम को ताक पर रखकर शेर के शिकार में जुट जाते हैं। याद है ना हिमांशु, 2 साल पहले। आपका निशाना तो सचमुच तारीफ लायक है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा निशानेबाजी का कमाल है इनमें। अरे हिमांशु, वो जरा अपना शब्द विधि निशाना दिखाओ ना इन्हें। फिर कभी सही। आज मुझे त्रिपुरा जाना है, वहाँ शिकार का एक न्योता है। अरे 2 ही मिनट का तो काम है, चलो बांधो आंखों पर रुमाल। दिखाइए ना, हम भी तो देखें। अरे कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके आवाज पर निशाना लगाना पड़ता है। ठीक है व्योमकेश बाबू, ऐसा करिए आप ही रुमाल बांधिए, लेकिन देखिएगा कान खुले रहे। रुको जरा, हिमांशु बाबू आप तैयार हो जाइए। एक बार और बजाइए। क्या बात है हिमांशु बाबू, एक एक बंदूक से मैंने अलग अलग शिकार किए हैं। इससे शेर को मारा है और इससे चिड़िया का शिकार किया है। कल ये दोनों बंदूकें लेकर शिकार पर जाऊंगा। कितना देर के लिए जा रहे हो भाई? पापा बैठो ना। बैठो बैठो। अरे बैठो। अरे सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, दीवान जी जाने कहाँ देते हैं, दुनिया भर के मुकदमों में फंसा रखा है। दीवान जी मिलना चाहते, कहा है जरूरी काम है। ओफो, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा। ठीक है भाई, दो इनको। माफ कीजिएगा, मुझे इस वक्त यहाँ आना पड़ा। मेरे जाने की तैयारी, सब ठीक है ना? सब ठीक है, लेकिन। फिर क्या लेकिन, ये ना कहिए कि त्रिपुरा जाना नहीं होगा। पिछली बार भी आपके जमींदारी के मामले मुकदमे की वजह से नहीं जा पाया था। मैं तो चाहता हूँ तुम इन झमेलों से दूर ही रहो, लेकिन मैं क्या करूँ। अब क्या हो गया? बेबी के मास्टर 4 हिसाब के खाते और 6,000 रुपए लेकर भाग गए। हाँ, कल सुबह से गायब है, कल सारा दिन उसे ढूंढा, पुलिस को भी खबर दी है, चारों तरफ स्टेशनों पर पहरा लगा दिया, लेकिन मास्टर जी का कहीं पता नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारा त्रिपुरा जाना मुलतवी कर दो, 2-4 दिन देख लेते हैं। मुझे अफसोस है लेकिन। ठीक है दीवान जी, मैं नहीं जाऊंगा। व्योमकेश बाबू, आप ये काम संभालिए ना, आप चाहें तो उसे 2 घंटों में ढूंढ निकाल सकते हैं, फिर मैं शाम को आराम से त्रिपुरा जा सकता हूं। 2 घंटों में? क्यों नहीं। अरे मुझे देखो, किस्मत से इतना बड़ा डिटेक्टिव मेरे सामने बैठा है और मैं परेशान हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, जो व्योमकेश को यहाँ सैर कराने ले आए। लेकिन आप तो यूं ही मेरा। व्योमकेश बाबू, हिमांशु मेरा खास जिगरी दोस्त है, अगर आप उनका काम करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और फिर आप तो यहाँ घूमने ही आए हैं, एक काम और सही। अच्छा, मामला क्या है, जरा खुलासा बताइए। अरे मुझे क्या सब मालूम है, पिछले 2 महीनों में 4 या सिर्फ 3 बार मास्टर जी से मुलाकात हुई होगी। एक बार मैं शिकार से वापस आ रहा था। समय आपसे ही मिलने आ रहा था। मुझसे? समय 1 महीने से बेकार हूँ, कोई काम नहीं है सर। मैं BSc पास हूँ, ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। मुझे कोई भी काम चाहिए सर, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आपका बहुत नाम सुना है सर। क्या काम कर सकते हो? कुछ भी जो आप मुनासिब समझो, आपकी बहुत कृपा होगी सर। हाँ, ये लो,
बैठो गाड़ी में। धन्यवाद। मुझे लड़के पर तरस आया। मैंने सोचा पढ़ा लिखा लड़का है, बेबी को मास्टर की जरूरत थी, उसी काम में लगा दिया था। वो कहाँ रहता था? वहाँ पीछे कमरा है, दीवान जी ने वहाँ पुराने बही खाते रख छोड़े हैं, वहीं खाट डालकर उसका रहने का इंतजाम कर दिया था। बेबी को सुबह शाम वहीं पढ़ाता था। तो खाता कहाँ? हमारे ही घर। बाकी आप सब दीवान जी से पूछें, वो सब ठीक ठाक बता देंगे, मगर उसे आप आज ही ढूंढ निकालिए। दीवान जी आप इन्हें सब बताइए ना, आइए बैठिए। हरिनाथ देखने में इतना सीधा साधा और भोला है कि उसके बारे में कहने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके पेट में इतनी शैतानी छुपी हुई थी ये तो कोई भी सोच नहीं सकता। मैं आदमी परखने में कभी गलती नहीं करता, एक नज़र में पता लगा लेता हूँ कौन क्या है, लेकिन ये लड़का तो मेरी आंखों में भी धूल झोंक गया। कभी शक भी नहीं हुआ कि उसका भोलापन एक नकाब है। इसीलिए जब सरकार बहादुर हरिनाथ को लाए और कहा कि बेबी के मास्टर का काम करेगा, तो मैंने सोचा चलो एक गरीब आदमी का भला होगा, मैं भी राजी हो गया। फटियाल था इसलिए भंडार से दो बनियान, दो कमीज, धोती और दो कंबल दे दिए। फिर मैं अपने काम में लग गया, मास्टर जी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। कभी कभी मेरे पास, मेरे दफ्तर में और घर में आता था, पूजा पाठ की बातें सुनता। इसी तरह 2 महीने गुजर गए, मैं अकेला रहता हूँ। परसों सुबह जब मैं पूजा पाठ में बैठा था तो खबर मिली हरिनाथ गायब है। 12 बजे तक मास्टर जी का कोई पता नहीं। मैं उसके कमरे पे गया, पता चला हरिनाथ रात से ही गायब था। बही खातों की अलमारी खुली हुई थी, पिछले 4 सालों के बही खाते नहीं हैं। तभी और भी शक हुआ, अपने दफ्तर गया और छानबीन की। अलमारी की एक पोटली में 6,000 रुपये थे, वो भी गायब हैं। पिछले 4 सालों से हमारे कई बड़े कारिंदों के साथ मामले मुकदमे चल रहे हैं। मैं समझ गया हरिनाथ उन्हीं का गुप्तचर था। जाहिर है जमींदारी के खाते दुश्मनों के हाथ लगने से उन्हें काफी फायदा होगा। अलमारी का ताला तोड़कर रुपया लिया है या हम? नहीं, ताला जैसा था वैसा है। तो अलमारी की चाबी किसके पास रहती है? एक मेरे पास है और एक सरकार बहादुर के पास। मेरी चाबी मेरे ही पास है, लेकिन इनकी चाबी फिलहाल खो गई है। मेरी गलती है, चाबी पेन कभी मेरे पास नहीं रहती, कहीं भी रखकर भूल जाता हूँ। कई दिनों से चाबी नहीं मिल रही थी, मैंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, सोचा कहीं ना कहीं होगी, मिल जाएगी। क्यों बेबी? मास्टर जी कब आएंगे? वो तो नहीं पता, शायद नहीं आएंगे। अच्छा इधर आओ, तुम मास्टर जी को बहुत चाहती थी? हाँ बहुत, वो मुझे हिसाब सिखाते थे। अच्छा, तुम्हें 7 का पहाड़ा मालूम है? हाँ। अच्छा बताओ 7 नाम कितने होते हैं? 64। हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, 7 नाम 63 होते हैं। अच्छा, और तुम्हें 1.25 सवैया मालूम है? वो तो नहीं मालूम। अच्छा तुम मुझे बाद में बताना। चलिए दीवान जी हरिनाथ का कमरा दिखाते हैं। आइए। नई चप्पलें आपने खरीद के दी थी? जी। मतलब नंगे पैर भागा है? ऐसा ही लगता है, उसकी अपनी चप्पलें इतनी फटी हुई थी कि कुछ दिन हो मैंने ही नई चप्पलें खरीद कर दी थी। ताज्जुब। क्या हुआ मास्टर जी? क्या चश्मा पहनते थे? हाँ, चश्मा क्या यहीं छोड़ गया? हाँ, ताज्जुब की बात नहीं लगती? लगती तो है, जिसकी आंखें खराब हैं
वो चश्मा छोड़कर कैसे जाएगा? इसकी क्या वजह हो सकती है? कई वजह हो सकती है। हो सकता है उसकी आंखें खराब ही ना हो, आप लोगों को धोखा देने के लिए चश्मा पहनता होगा। व्योमकेश बाबू, मेरे ख्याल से आपका अनुमान सही नहीं है। ये देखिए चश्मा, काफी पुराना लगता है, पावर भी ज्यादा है, कांच भी टूटा हुआ है। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये भी हो सकता है किसी का पुराना चश्मा ले आया होगा। काफी भारी है। क्या ये एक एक खाता एक साल का? जी। और ऐसे चार खाते चोरी हुए हैं? हाँ, पिछले चार साल के। दो घंटे तो नहीं, लेकिन दो दिनों में आपकी गुत्थी जरूर सुलझा सकता हूं। दो दिन? जी हाँ, दो दिन तो लगी जाएंगे, और वो भी अगर मैं यहां रहूं तो। हाँ हाँ, रहिए ना दीवान जी, इनका हमारे यहां रहने का बंदोबस्त कर दीजिए जी। लेकिन एक और बात है। लेकिन कुछ नहीं, तुम अजीत की सोच रहे हो ना जी? कल सुबह उसे यहाँ भिजवा दूंगा। हिमांशु, इन दोनों का रहने का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ, जरूर। अच्छी बात है। ये है मामला, क्या समझे? दो दिन में मास्टर जी का पता चल जाएगा। मास्टर जी जिंदा नहीं है। है क्या? बस ऐसा लग रहा है, चप्पल न पहनकर जाने की वजह हो सकती है, चप्पल पहनकर जाने से आवाज होती है, लेकिन कपड़े नहीं ले जाना, चश्मा नहीं ले जाना, कुछ बिना कपड़े पहने तुम कैसे कह सकते हो? याद है दीवान जी ने क्या कहा था? सब चीजें दो धोती थी, दो कंबल, दो कमीज, दो बनियान, लेकिन उनकी फटी हुई कमीज और बाकी के सब कपड़े तो वहीं टंगे हुए थे। लेकिन किसी के जिंदा न होने का सबूत भी तो होना चाहिए। होना तो चाहिए। चलो आसपास की जगह घुमाते हैं। चलो उठो अजीत। हाँ? एक बात समझ में नहीं आ रही कि मास्टर जी दो दिन पहले की रात से गायब है। सोचने की बात है, ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि बिना कपड़ों के और बिना चश्मा लिए कमरे से बाहर निकल पड़े? और हुजूर, इस अनादि सरकार ने आपको गोद में खिलाकर बड़ा किया है, पुराना नौकर समझकर मुझ पर दया कीजिए। रानी माँ ने गलत समझा है हुजूर, मेरी लड़की से गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए हुजूर, ऐसा महापाप हमने नहीं किया। सच बोल रहे हो? तुमने नहीं मारा? हुजूर माय बाप, आप मालिक हैं, देवता हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो यही मर जाऊं। लेकिन राधा अब यहां नहीं रहेगी, कल ही उसे कहीं भेज दो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तुम लोगों की वजह से घर में काफी झिकझिक लगी हुई है। जो कमजोर, मैं कल ही से कहीं भेज दूंगा, कसम खाता हूं। मास्टर जी जिंदा नहीं है, ये हिमांशु बाबू को मालूम है। क्या कह सकते हैं? सुनो जी, अनादि सरकार कौन है? मालिक के खास आदमी हैं। अकेले रहते हैं? जी नहीं, बीवी है, तीन बच्चे हैं, बड़ी लड़की विधवा। राधा? जी हाँ। अच्छा, मास्टर जी को तुमने देखा है? देखूंगा क्यों नहीं। क्या वो चश्मा पहनते हैं? हमेशा, बिना चश्मे के तो एक कदम भी नहीं चल पाते। और उनके कितने जोड़े जूते थे? अजी कितने क्या, एक जोड़ी चप्पल थी, वो भी दीवान जी ने खरीद कर दी थी। पुरानी चप्पल जो पहन कर आए थे उसे कुत्ता तक नहीं सूंघता था। दीवान जी कहाँ रहते हैं? ये रहा उनका घर, मैं वहीं से चला आ रहा हूँ। अच्छा, नमस्ते। चलो दीवान जी से मिल लेते हैं। चलो। दादा एक बार और। आइए आइए, घूमने निकले। एक बार और सुनाओ ना दादा, ये भी सुनेंगे। अरे पगली चुप कर। क्या सुना रहे थे दीवान जी? इस पगली की मत पूछो,
अब कह रही है सियार की बोली सुनाओ। अब जाओ बेबी, माँ के पास जाकर पढ़ने बैठो। हाँ। नहीं दादा। अच्छा तो फिर से कुत्ते की बोली सुनाओ। आज रात को तुम जब सोने जाओगी तब मैं सियार की बोली सुनाऊंगा, ठीक है ना? अब जाओ। तुम नहीं सुनाओगे ना तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी। नहीं नहीं, जरूर सुनाऊंगा। मेरी रानी बिटिया नहीं सोएगी, ये कभी हुआ है? अच्छा। थाने से अभी अभी खबर मिली है, मास्टर जी कहीं नहीं मिले। मास्टर जी क्या काली भक्त थे? उनके कमरे से काली माता की एक तस्वीर मिली हमें। पूजा पाठ में उनकी रुचि थी, काली माता की तस्वीर मैंने ही दी थी उन्हें। मुझे लगता है मास्टर जी अब जिंदा नहीं है। क्या जी? सारे सबूतों से यही पता चलता है कि उनकी हत्या की गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन करेगा उनकी हत्या? बस यही तो पता लगाना है। उसकी हत्या हो गई? बंदूक तो ले ली है, चलानी भी आती है। देखते हैं, हिमांशु बाबू ने कहा था कि बहुत आसान है, बस निशाना ठीक होना चाहिए। इस बार कलकत्ते जाकर लाइसेंस ले लूंगा। अच्छा। हाँ। अरे इस जंगल में कुटिया कैसी? एक मिनट। देखा? देखा मेरा निशाना? अरे इतनी जल्दी क्या है, मरी चिड़िया उड़कर भाग थोड़ी जाएगी। चलो पहले उस कुटिया को देखते हैं। चलो। लगता है यहाँ कोई आया है, यहाँ का घास फूस सब दबा हुआ है। घरेलू के बच्चे मवेशी चराते चराते यहाँ खेलते होंगे। चलो आगे देखते हैं, हमारा पहला शिकार भी वही है। अरे वो चिड़िया कहाँ गई? क्या सचमुच मरी हुई चिड़िया उड़ गई? एक मिनट यहाँ देखता हूँ, कहीं इधर उधर ही होगी। क्या कर रहे हैं? आगे पैर मत बढ़ा। यही है वो मशहूर दलदल, हिमांशु बाबू जिसका जिक्र कर रहे थे। अभी वहां जाते तो 3 मिनट में गायब। तुम्हारा पहला शिकार भी अंदर ही दलदल में कहीं हमेशा के लिए दफन हो गया है। जगह काफी सोच समझ कर बनाई गई है। देखो बाहर निकलने के दरवाजे के बाद 10 फीट की दूरी पर ही दलदल है, और अंदर आने का दरवाजा चारों तरफ जंगल से भरा हुआ है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस अजीब की बातों में आकर सुबह सुबह शिकार के लिए निकल पड़े। अच्छा तभी कल ये एयर गन ले गए थे आप लोग? हाँ। कुछ मिला? कुछ नहीं, लेकिन आप इस बड़ी गन को लेकर किसका शिकार करने निकले हैं? सुबह सुना जंगल में शेर की आवाज सुनाई दी है, फिर नौकरों ने बताया कि आप लोग भी जंगल की तरफ गए हैं। मैं भी निकल पड़ा अपनी राइफल लेकर। अगर सचमुच का शेर आ जाए तो इस चिड़ीमार बंदूक से शेर को कुछ नहीं होने वाला। आइए। इस जंगल में ये झोपड़ी किसकी है, कुछ मालूम है? 4-5 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था, 6 फुट लंबा, हट्टा कट्टा जवान, सिर्फ एक लंगोटी पहने। आते मुझसे तू तड़ाक करने लगा, जैसे उनका नौकर हूं। हमें हुक्म दिया हम आपकी रियासत में साधना करेंगे। मैं तो उसको भगा देता, लेकिन दीवान जी ने मुझे समझा बुझाकर यहाँ ये झोपड़ी बनवा दी और वो उसी में रहने लगा। 6-7 महीने रहने के बाद
अचानक वो तांत्रिक गायब है? और तब से ये झोंपड़ी यहीं पड़ी है। कौन है? ब्योमकेश बाबू सो गए क्या? यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिलता जाऊं। आइए आइए बैठे, कहिए। आपका अनुमान मास्टर जिंदा नहीं है गलत है ब्योमकेश बाबू, मास्टर जिंदा है। इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पासी के जंगल में छुपा हुआ है। जंगल में कुटिया है, एक तांत्रिक के लिए बनवाई गई थी, वो वहीं छुपा हुआ है। दीवान जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? दिन में हो ना हो, लेकिन रात को शेर चीते के डर से वहीं कुटिया में रहता है। आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं खुद दिखाता हूं। आइए। इधर आइए, वो देखिए, कुछ नजर आ रहा है? कोई रोशनी है, आग भी हो सकती है। जंगल में जो कुटिया है, ये रोशनी वहां जल रही है। तांत्रिक की कुटिया? क्या तांत्रिक बाबा वापस आ गए? नहीं, तांत्रिक नहीं, मुझे यकीन है मास्टर है, और ये रोशनी उसका सबूत है। जो भी हो, लेकिन हमें तो ये पता लगाना कि कौन है। अजीत हाँ? चले वहां इस वक्त? जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए, अगर इस वक्त जाकर उसे पकड़ सकते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन इस अंधेरे में बिना कोई आवाज किए कुटिया के अंदर जा पाएंगे? रोशनी भी नहीं ले जा सकते, रोशनी देखकर या आवाज सुनकर वो भाग सकता है, जरा सोच लीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि दीवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर इस वक्त शेर चीते का भी तो डर है, और अगर उसको पता चल गया कि उसके छुपने की जगह का पता चल गया है तो वहां भी नहीं जाएगा। ठीक कहते हैं दीवान जी, शायद वहां इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। जो भी हो, अगर आज आया है तो कल भी वहां जाएगा। कल हम दोनों वहां पहले से छुपकर उस कुटिया में रहेंगे, जैसे ही वो वहां आएगा। हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। आइए। अच्छा, कल अंधेरा होते ही आप दोनों वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल सुबह जाकर एक दफा जगह को देख ना ले, ताकि रात को जाने में आसानी हो। मैं खुद आप दोनों को लेकर जाऊंगा, क्या ख्याल है? अब बहुत दूर की सोचते हैं दीवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम तीनों दिन में ही उस जगह का निरीक्षण कराएंगे। आइए आइए। आप आज रात यहां आ रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। सुना है जंगल में शेर है। तो क्या हुआ, शेर जंगल में है? हम यहां रहेंगे इस कुटिया में छुपकर? फिर भी शेर अगर यहां तक आ भी जाए तो आप उस तरफ रेत पर चले जाइएगा, शेर रेत पर नहीं जाते। और अगर शेर ना भी आए तो भी सतर्क रहना बहुत जरूरी। सब ठीक है दीवान जी, क्यों अजीत? मैं एक बंदूक ले लूंगा। अरे पहली बार तो तुमने चिड़िया ही मारी है, अब शेर मारने वाली बंदूक चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो आइए। अजीत जरा दरवाजा बंद करके आना। क्यों, क्या बात है? बताता हूं, आज रात हम दोनों तांत्रिक की कुटिया में छुप कर रहेंगे। अरे क्यों? आज रात ही मास्टर जी के गायब होने के रहस्य का समाधान होगा। सुना है रात को वहीं जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, लेकिन वहां रात भर अकेले रहने की हिम्मत नहीं हो रही। आप भी साथ चलिए,
लेकिन अपनी राइफल जरूर रखिएगा, सुना है जंगल में शेर है। बिल्कुल सही सुना है, आप घबराइए मत, मैं भी साथ चलूंगा और दो चार आदमी को भी ले लेता हूँ। नहीं नहीं, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, और हम एक साथ भी नहीं जाएंगे। अजीत और मैं 9:30 बजे निकलेंगे, आप उसके आधे घंटे बाद 10 बजे आइए, और हमारे जाने का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके। अच्छा हिमांशु बाबू, अगर कोई किसी सीधे साधे वफादार आदमी को जानबूझकर अपने मतलब के लिए मौत के मुंह में ढकेलता है तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? मौत। A tooth for a tooth, an eye for an eye. तुम क्या कहते हो? जो हिमांशु बाबू ने कहा वही। ठीक है, पर आज चलते हैं, रात को मिलेंगे। लेकिन याद है ना, हम 9:30 बजे जाएंगे, आप आधे घंटे बाद 10 बजे पैदल। डन। ब्योमकेश बाबू, मैं सिर्फ देखने आया, आप जा रहे हैं या नहीं? न जाने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा किया लाठी और टार्च ले ली। अगर आप मास्टर जी को पकड़ लें तो टार्च मेरे मकान की तरफ घुमाइएगा, मैं कुछ लोग को लेकर फौरन चला आऊंगा। ठीक है दीवान जी। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आप तांत्रिक धर्म में विश्वास करते हैं? नहीं दीवान जी, ये ढकोसले मुझे कतई पसंद नहीं है। जो तांत्रिक देखे हैं वो पहुंचे हुए पियक्कड़ और छठे हुए बदमाश थे। याद है ना, अगर शेर का डर हो तो पिछले दरवाजे से। याद है दीवान जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि आज रात का काम सफलता से पूरा हो जाए। मेरा आशीर्वाद रहेगा, आप सफल रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा मैं अपने घर जाता हूँ, छत पर रहूंगा, आपका इशारा पाते ही चलाऊंगा। अच्छा क्या समझे? तांत्रिकों के बारे में उल्टी सीधी बात करने की क्या जरूरत थी? मालूम नहीं वो खुद एक तांत्रिक भक्त है, कितना बुरा लगा होगा उसे, अजीब सी नजरों से तुम्हें देख रहा था। मालूम है दीवान जी को थोड़ा कुरेदने की कोशिश कर रहा था। चलो। क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले हम यहाँ बैठे। कौन सुनेगा? शेर। आइए हिमांशु बाबू। मास्टर जी कहाँ हैं? पता नहीं, यही तो पता लगाने आए हैं। बंदूक तैयार है? तैयार है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शब्द भेदी। गोली निशाने पर लगी है, टॉर्च जलाइए। ज्यादा नजदीक मत जाइए, अगर सिर्फ जख्मी हुआ होगा तो। अरे ये तो दीवान जी हैं। अगर परलोक जैसी कोई जगह है तो वहां मास्टर हरिनाथ के साथ दीवान कालीगति भट्टाचार्य की मुलाकात हो गई होगी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप शुरू से खुलासा सब बताइए। हिमांशु बाबू, आपके पिताजी के मरने के बाद जब दीवान जी ने देखा कि आप जमींदारी के मामले में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे, शिकार में ही व्यस्त, उनकी नीयत बिगड़ी। अब बही खाते तो वो खुद ही लिखते थे, उस पर से देखरेख करने के लिए कोई था ही नहीं।
उन्होंने हेराफेरी शुरू कर दी। जमींदारी की आमदनी और खर्च की रकम हर साल एक जैसी होती है, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली, प्रजा से मामला मुकदमा शुरू कर दिया। अब कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ते गए और साथ साथ दीवान जी की आमदनी भी। फिर एक तांत्रिक आए, आपसे शुरू से ही उस तांत्रिक का मनमुटाव। दीवान जी उस तांत्रिक के भक्त थे, दीक्षा के साथ साथ पता नहीं उन्हें कैसी उल्टी सीधी पट्टी पड़ा गए। उन्होंने कहा होगा कि सारी जमींदारी आपकी हो सकती है, क्योंकि उनके आने के बाद ही खातों में ज्यादा गड़बड़ी नजर आती है। पहले तो खुली चोरी से सारी तिजोरी खाली कर दी, फिर यह कहकर कि रुपया नहीं है, महाजनों से जमीन गिरवी रखकर उधार ले लिया, फिर महाजनों से आप ही के रुपयों से जमीन के कागजात खुद खरीद लिए और धीरे धीरे आपकी जमींदारी के मालिक बनने लगे और आपको कुछ भी नहीं मालूम। फिर एक दिन हरिनाथ आया, आपने उसे बेबी का मास्टर रख लिया। बेचारा सीधा साधा आदमी था, कुछ ही दिनों में दीवान जी का भक्त बन गया। दीवान जी ने उसे तांत्रिक विद्या सिखाना शुरू किया और वो भी बड़े चाव से सीखने लगा। उसे रहने के लिए कमरा भी दिया गया जहां जमींदारी के हिसाब किताब के खाते रखे जाते हैं। यहीं पर दीवान जी गलती कर बैठे। अब हरिनाथ तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसे अंक गणित में भी खास दिलचस्पी थी, बेबी को पढ़ाना तो मामूली सा काम था, बैठा बैठा क्या करता। उसने अलमारी से खाते निकाले और उन्हें देखना शुरू किया। देखते देखते उसे लगा कि यहां तो हजारों रुपए का घपला है। रात को अकेला बैठा वो बही खातों को और गौर से देखता। अब इन गलतियों की बात किसको बताता, आपसे तो कभी मुलाकात होती नहीं थी, आखिर जो होना था वही हुआ। उसने सारी बातें दीवान जी को बताई। दीवान जी घबरा गए, उन्हें लगा कि ये लड़का तो उनका भंडा फोड़ कर देगा। उन्होंने ठान ली मास्टर जी को रास्ते से हटाना होगा। आप देखो हरिनाथ, आज अमावस है, तुम मंत्र सिद्ध होना चाहते हो, उसके लिए यही मौका है। मैंने पंजिका देख के पता लगाया है, यही शुभ घड़ी है। तांत्रिक की कुटिया है जंगल में 2 फल्लांग दूर, तुम अभी वहीं चलो और मंत्र साधना में लग जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ये लो मंत्र, कपड़ों की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे ही चलो, 3 घंटे की साधना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, आओ। यहां बैठकर साधना शुरू कर दो। सुना है जंगल में शेर है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शेर आ जाए चुप्पी से रास्ते से बाहर चले जाना, वहां रेत है, शेर रेत पर नहीं जाता। बैठो। आंखें बंद करो। दीवान जी को पता था कि उस कुटिया के पीछे की जमीन पर रेत का दलदल है, शायद उनके तांत्रिक गुरु से ही पता लगा होगा उनको। मुझे और अजीत को भी उस दिन चिड़िया के शिकार के वक्त अकस्मात उस दलदल का पता चला था। दीवान जी जानवरों की बोली की नकल बखूबी कर सकते थे। हमारे यहाँ आने के बाद हमने उनसे कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनी थी। उस दिन शायद आप नहीं समझ पाए कि शेर की दहाड़ दीवान जी खुद कर रहे थे। खैर, मास्टर जी को रास्ते से हटाने के बाद उन्होंने 4 साल के भई खाते वहां से हटा दिए। हो सकता है उसी दलदल में गायब कर दिया हूं। फिर मौके का फायदा उठाकर अलमारी से 6,000 रुपए भी निकाल लिए। आपकी चाबी खो गई थी ना, लोगों को शक हुआ कि आपकी खोई हुई चाबी से
मास्टर जी 6,000 रुपए लेकर भाग गए। जब मैं और अजीत यहां आए तब यहां एक और नाटक चल रहा था जिससे कि मास्टर जी के गायब होने का कोई संबंध नहीं था, लेकिन तब लग रहा था कि शायद संबंध है और शायद उससे आप भी जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे? हमारे समाज का एक कलंकपूर्ण अध्याय है, विधवा का पतन। कोई नई बात तो नहीं है, अनादि सरकार की विधवा लड़की राधा के एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बात को छुपा कर रखा, लेकिन आपकी पत्नी को पता चल गया। उन्होंने फौरन आपको बताया और कहा कि यह सब कलंक हमारी जमींदारी में नहीं होना चाहिए, उन्हें फौरन निकाल देना चाहिए। इसीलिए आपने राधा को निकल जाने का आदेश दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? कुछ आपकी और अनादि सरकार की बातें सुनी थी, बाकी सब अनादि ने मुझे बताया। खैर, जब दीवान जी को यह पता चल गया कि हमें शक हुआ है कि मास्टर जी गुजर गए हैं, तो वे चौकस हो गए, थोड़ा सा डर भी गए। पहले उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि मास्टर जी जिंदा हैं, फिर उन्होंने तय कर लिया कि हम दोनों का जिंदा रहना उनके लिए खतरनाक है, इसलिए खुद ही जंगल की झोपड़ी में जाकर थोड़ी सी आग पैदा की और आधी रात को हमें दिखाया कि वो देखिए मास्टर जी शायद उस कुटिया में जिंदा है। जब हमने ये फैसला किया कि हम उस कुटिया में जाकर देखेंगे मास्टर जी जिंदा है या नहीं, मन ही मन बहुत खुश हुए होंगे। तब तक दीवान जी ने ठान ली थी कि हमें भी मास्टर जी की तरह ही रास्ते से हटा देंगे। मैं भी यही मौका ढूंढ रहा था, उन्हें उकसाने के लिए मैंने भी कहा ये तंत्र मंत्र सब ढकोसले हैं। दूसरे दिन दीवान जी हमें उस कुटिया में ले गए और कहा फिर भी शेर अगर यहां तक आ भी जाए तो आप उस तरफ रेत पर चले जाइएगा, शेर रेत पर नहीं जाते। यह सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो मास्टर जी उसी रेत के दलदल में दफनाए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है आपको तो मालूम है। उस रात को आपने मुझे राइफल ले जाने के लिए क्यों कहा? आप तो जानते थे कि शेर की दहाड़ सुनकर मैं शब्द भेदी गोली चलाऊंगा। हिमांशु बाबू आप बुरा ना मानिए, दीवान जी के लिए तो एक ही सजा थी, मौत। वो फांसी के तख्ते पर न लटक कर बंदूक की गोली से मरे, शायद यही उनकी किस्मत में लिखा था। आप तो सिर्फ एक जरिया मात्र थे। याद है उस रात आपने कहा था अ टूथ फॉर अ टूथ एन आई फॉर एन आई। अरे हिमांशु, ये अखबार में क्या लिखा है? दीवान जी बंदूक की गोली से मारे गए, मामला क्या है व्योमकेश बाबू? अरे भाई कुछ हमें भी तो पता चले। क्या लिखा है देखिए। जमींदार हिमांशु राय अपने कुछ दोस्तों के साथ रात में नजदीक के जंगल में शिकार करने गए थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने गोली चलाई और लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि शेर के बजाय उन्हीं के दीवान कालीघत भट्टाचार्य गोली खाकर मरे पड़े हुए हैं। वृद्ध दीवान इतनी रात गए जंगल में क्यों गए थे, इस रहस्य का कोई पता नहीं। पुलिस जांच पड़ताल के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि इस दुर्घटना के लिए जमींदार हिमांशु राय जिम्मेदार नहीं है। निशानेबाजी के वो बहुत माहिर हैं और इस इलाके के मशहूर शिकारी माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा पूरी सावधानी से गोलियां चलाई हैं। चलिए कुमार बहादुर, आपके यहां चलते हैं, यहां का तो किस्सा खत्म हो गया। रास्ते में बताता हूं कि दीवान जी की मृत्यु कैसे हुई थी। क्यों?